प्यारे दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टोमक ट्यूब को कैसे पास करते हैं, देखिए एक भैंस में, बड़ी सी भैंस आपको दिख रही होगी, मुरा नस्ल की। तो देखिए ये पाइप है आपके सामने, ये पाइप है, इस पाइप को देखिए जीभ के ऊपर से इसे साइड में से बाएं हाथ से जीभ को पकड़ लेते हैं, दाईं तरफ से इसे दे देते हैं जीभ के ऊपर से। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये होती है यहाँ पर कि ज़्यादा गछेड़ा बछेड़ा नहीं मारना है, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर टंग में इन्फ्लामेशन हुआ तो ग्लोसाइटिस हो सकता है, मसूड़ों में अगर रगड़ लग गई तो उसे जिंजिवाइटिस हो सकता है, देखिए लगातार जारी पाइप है, और अगर लिप्स पे रगड़ लग गई तो ये चिलाइटिस हो सकता है, अगर दांतों पे रगड़ लगी इन्फ्लामेशन हुआ तो ओडोंटाइटिस हो सकता है, और ओरल केविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन अगर उसमें हुआ तो स्टोमेटाइटिस हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। और कभी कभी ईसोफेगस में नहीं जाकर ट्रेकिया में भी जा सकता है दोस्तों ये पाइप, और ट्रेकिया में चला गया तो ये थोड़ा ठीक नहीं रहता, कि दवाई जो भी डालोगे वो फेफड़े में चली जाएगी, एस्फिक्सिया हो सकता है, दम घुट सकता है पशु का, और इसे कान में देखो दोस्तों ये मंत्र सुनना पड़ता है, देखिए जरा कान में जरा सुनो भाई, सुनो जरा, तो ये सुन क्या रहा है दोस्तों, ये रूमन जो फ्लूड है वो मूवमेंट करता है, घूमता फिरता है, उसकी आवाज आती है दोस्तों। अगर ये ट्रेकिया में चला जाता है तो क्या होता है कि फिर उसमें सांसों की सी आवाज आएगी, ब्रीदिंग साउंड आएगी, जो कि नहीं आ रही है। आप देखिए, ये देखिए कोई ब्रीदिंग साउंड नहीं आ रही है, और अब आप देखेंगे तो रूमन में गैस की बदबू आ रही होगी आपको, आप जरा सूंघ कर कोशिश करें, स्मेल करें, जस्ट स्मेल इट, ये देखिए रूमन में जो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है उनकी ये दोस्तों सुगंध आ रही है, सुगंध क्या दुर्गंध आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता करना रहता है, और ये देखिए इस तरह से ये खोलना, जरा दिखाना जी ये बोतल को खोलने का तरीका, अपने दांतों से जो कैनाइन टीथ है, ये जो बंदा दिख रहा है आपको, ये कार्निवोरस प्राणी है, और इसके लिए अलग से का जो कैनाइन टीथ है भगवान ने दिए हैं, मांस को चीरने फाड़ने वाले जो दांत होते हैं रदनक जिनको कहते हैं हिंदी में, तो उन कैनाइन टीथ का इस्तेमाल करते हुए बोतल को कभी कभी खोलते हैं ये भाई साहब, ठीक है। और ये इस तरह से दवा डालते हैं, देखिए कीपा बना के, ठीक है दोस्तों, फनल बना के इसी बोतल को ही फनल बना लिया दोस्तों, देख लिया फनल बना दिया, और इस फनल यानी कीपे में ये लगातार ये देखिए दवाई डाल रहे हैं, इसमें देखिए दोस्तों ये के एक्टिवेटेड चारकोल और सोरबिटोल लगातार डाल रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्टोमक ट्यूब पास करके दवाइयां डालते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।